नमस्कार दोस्तों, मैं खुमेश कुमार साहू आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बाबा रामदेव जी ने हाल ही में कोरोना के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होने वाले एलोपैथी चिकित्सा पद्धति के बारे में ऐसा क्या बयान जारी किया है, ऐसा क्या स्टेटमेंट जारी किया है जिसके करके इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के जितने भी पदाधिकारी हैं वो उनके विरुद्ध अपनी प्रतिक्रियाएँ जारी कर रहे हैं। साथ ही साथ IMA के अधिकारी बाबा रामदेव जी के खिलाफ FIR दर्ज करने तक की बात भी कह रहे हैं। दोस्तों, क्या है पूरा मामला आज की इस वीडियो में जानेंगे, तो इस वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबाओ ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आए। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को ये बता देना चाहूँ कि चिकित्सा पद्धति में जितना महत्व एलोपैथी का है उतना ही महत्व आयुर्वेदा का भी है। इन दोनों की तुलना करना, इन दोनों को तुलनात्मक नज़रिए से देखना सही नहीं है। तो दोस्तों, जैसे कि एलोपैथी मेडिसिन ने इमरजेंसी ट्रीटमेंट में सीवियर सर्जरी में बहुत ही प्रगति की है, उसी प्रकार आयुर्वेद जो है भारत की सबसे प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है, हजारों वर्ष पुरानी चिकित्सा पद्धति है। आज भी आयुर्वेद के जरिए से बहुत से रोग जैसे कि BP, शुगर, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हिपेटाइटिस, फैटी लिवर डिसीज़, माइग्रेन जैसी विभिन्न प्रकार की समस्याओं का परमानेंट जड़ से इलाज है और आयुर्वेद में आज भी ये इलाज हो रहे हैं। तो दोस्तों, आयुर्वेद का अपना अलग महत्व है, एलोपैथी चिकित्सा पद्धति का अपना अलग महत्व है, इन दोनों की तुलना करना सही नहीं है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि बाबा रामदेव जी ने ऐसा क्या बयान जारी किया है जिसके करके IMA के पदाधिकारी उनके खिलाफ, उनके विरुद्ध FIR दर्ज करने तक की बात कह रहे हैं। दोस्तों, बाबा रामदेव जी ने बयान जारी करते हुए कहा है कि कोरोना के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होने वाले, कोरोना के ट्रीटमेंट में उपयोगी एलोपैथी चिकित्सा पद्धति को दिवालिया और स्टूपिड साइंस कहते हुए ये कहा है कि ये कैसे स्टूपिड साइंस है, इनका इवरमेक्टिन फैल हो गया, इनका एंटीबॉडीज फैल हो गई, इनकी प्लाज्मा थेरेपी फैल हो गया, इनका क्लोरोक्वीन फैल हो गया, साथ ही साथ इनकी फैबिफ्लू भी फैल हो गया। ये कहते हुए बाबा रामदेव जी ने एलोपैथी चिकित्सा पद्धति को स्टूपिड साइंस कहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि लाखों लोगों की मृत्यु एलोपैथी मेडिसिन खाने से हुई है, जितने लोगों की मृत्यु हॉस्पिटल ना जाने से, ऑक्सीजन ना मिलने से हुई है, उससे कहीं ज़्यादा लोगों की मृत्यु जो हुई है वो हॉस्पिटल में एडमिट होने से, उनकी कोरोना एलोपैथी मेडिसिन से ट्रीट होने से और ऑक्सीजन मिलने से हुई है, ऐसा बयान बाबा रामदेव जी ने कहा है। इसके साथ ही साथ एलोपैथी चिकित्सा पद्धति के बारे में बाबा रामदेव जी ने सकारात्मक विचार रखते हुए ये भी कहा है कि जो एलोपैथी मेडिसिन है, एलोपैथी चिकित्सा प्रणाली है, पूरी तरीके से ख़राब नहीं है। एलोपैथी चिकित्सा पद्धति मॉडर्न साइंस का हम स्वागत करते हैं, उन्होंने अपने बयान में ये कहा। तो दोस्तों, जैसे ही बाबा रामदेव जी ने ये बयान जारी किया तो पूरे देश से लोगों की प्रतिक्रियाएँ आने चालू हो गया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बाबा रामदेव जी को के बयान को गलत साबित करते हुए कहा कि बाबा रामदेव जी अपना बयान वापस लीजिए और साथ ही साथ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से आप माफ़ी मांगिए, अगर आप ऐसा नहीं करते तो हम आपके खिलाफ FIR दर्ज करा सकते हैं, यहाँ तक कि ये बात भी कहा है IMA ने अपना ये बयान जारी किया है बाबा रामदेव जी के खिलाफ। दोस्तों, इस प्रकार की कंट्रोवर्सी पूरे देश में चल रही है, इस कंट्रोवर्सी के बीच लोग आयुर्वेद बनाम एलोपैथी की बातें कर रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में ही मैंने बता दिया था कि आयुर्वेद का अलग महत्व है चिकित्सा पद्धति में और एलोपैथ का अलग महत्व है। जितना महत्व कोरोना के ट्रीटमेंट में जितना महत्व एलोपैथी का है उतना ही महत्व आयुर्वेदा का भी है, इन दोनों को तुलना करना, इन दोनों की कंपेरिजन करना सही नहीं है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और साथ ही साथ आपकी क्या विचारधारा है इस कंट्रोवर्सी के बारे में, इस कंट्रोवर्सी को लेके आपकी क्या ऑडियोलॉजी है उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो धन्यवाद दोस्तों।